यूपी के लखनऊ स्थित राजभवन को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने पत्र भेजकर कहा कि अगर 10 दिन में राज्यपाल राजभवन को छोड़कर नहीं जाएंगे तो राजभवन को उड़ा दिया जाएगा। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हेमंत राव ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गृह विभाग को पत्र भेज दिया है। इस मामले में पुलिस अलर्ट पर है। ये चिट्ठी झारखंड के उग्रवादी संगठन टीएसपीसी की ओर से भेजी गई है, जिसके बाद आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत और एसएसपी लखनऊ ने राजभवन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी के आदेश पर सचिवालय चौकी इंचार्ज सुभाष कुमार सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी ने एसपी पूर्व की अध्यक्षता में जाँच टीम गठित की। टीम में सीओ हजरतगंज अभय मिश्रा के साथ सीओ एलआईयू और इंस्पेक्टर हजरतगंज को शामिल किया गया। दरअसल राजभवन को उड़ाने वाला पत्र झारखंड के नक्सली संगठन टीएसपीसी नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राजभवन को मिला है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र भेजकर धमकी दी गई है। झारखंड के पते से आए इस पत्र में लिखा है कि आप राजभवन छोड़कर नहीं गए तो इसको डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। पत्र में ये भी साफ साफ लिखा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किसी भी हाल में 10 दिन में राजभवन को छोड़ दे। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद उत्तर प्रदेश राजभवन में हड़कंप मच गया। राजभवन भारत के राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास को कहते हैं। भारत के सभी 28 राज्यों के अपने अपने राजभवन हैं और ये राज्य की राजधानियों में स्थित हैं। सभी राज्यों का प्रत्येक एक राजभवन है। केवल 5 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में राजभवन हैं।